तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हो न्यू फैक्चुअल गेमिंग चैनल। और ये था हमारा छोटा सा इंट्रो, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो क्या किस चीज़ पे होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बहुत से रेयर आइटम्स देखने वाले हैं फ्री फायर के, जो कि सीज़न 1 से लेकर अब तक के रेयर आइटम्स देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर से कर देना। तो चलो बढ़ते हैं अपने पहली जो रेयर चीज़ है उसकी तरफ। वो जो हमारा पहली रेयर चीज़ है वो है हमारा लेवल 8 का करेक्टर कार्ड। ये करेक्टर कार्ड आपको, अगर आप पहले से फ्री फायर खेल रहे हो, मतलब बहुत पहले से, तो आपको पता होगा कि आप ये कब से है। मतलब ये हमारा 3-4 अपडेट पहले से था ये वाला करेक्टर कार्ड। बहुत से पुराने प्लेयर्स को पता होगा कि ये लेवल 8 का करेक्टर कार्ड हमारा कब से है, ये मेरे को कमेंट करके बताना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कब से है। तो हम बढ़ते अपने सेकंड जो है, सेकंड उसकी तरफ, सेकंड रेड चीज की तरफ, जो कि है ये वाला बैकपैक। भाई क्या हो गया मेरे को, ठीक है, ये वाला जो बैकपैक है ये मेरे को कमेंट करके बताना कि किस किस के अकाउंट में है ये वाला बैकपैक और ये कौन से सीजन का है। मतलब कोई सीजन होगा, मतलब सीजन 1, 2, 10 कोई भी सीजन होगा। मैं तो बहुत लेट आया हूँ फ्री फायर में, मतलब मेरे को हो गए बहुत सीजन, मतलब मैंने खेले। तो पहले अपने तीसरे उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कब से खेल रहा हूँ। और जो हमारी तीसरी है ये है ये वाला सरबोर्ड। ये भी सरबोर्ड बहुत पुराना है, मतलब बहुत कम, मेरे ख्याल से अज्जू भाई के जो अकाउंट है उसमें होगा, अज्जू भाई के अकाउंट में होगा। मेरे को वैसे ध्यान नहीं है क्योंकि मैंने एक बार देखा था, अज्जू भाई की वीडियो देख रहा था तब मैंने देखा था उनके अकाउंट में। और चौथी जो हमारी चीज़ है जो रेयर है वो है ये वाली ग्लू वॉल। इसको रेयर माना जाता है। ये मेरे को मिली थी जब फ्री फायर प्रो लीग हुई थी कि पता नहीं कोई चैम्पियनशिप हुई थी फ्री फायर की, उससे हमें टोकन मिला था। टोकन से मैंने रिडीम की थी भाई इस अकाउंट में, तो ये वाली मैंने रिडीम की थी। बहुत था इमोट था और बहुत चीज़ें थी, लेकिन मैंने ये ग्लू वॉल रिडीम की थी क्योंकि मेरे पास ग्लू वॉल की एक भी स्किन नहीं थी। तो चलो अपने अगली रेयर चीज़ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और अभी तक जितनी मैंने रेयर चीज़ दिखाई है आप मेरे को कमेंट करके बताना वो किस किस के अकाउंट में है। वो जो हमारी अगली है, अगली रेयर चीज़ वो है ये वाला बंडल। मैंने कहा था बंडल की भी बात होने वाली, वो है ये वाला जोम्बी समुराई बंडल। ये भी मेरे को एक ही बार देखने को मिला था, डायमंड जब लगाने थे तो जब आए थे ना बनी MP40 की स्किन भी आई थी डायमंड में लगाने के, मतलब डायमंड लगा के सारी रेयर स्किन और रेयर बंडल लेने के लिए तब दिखा था ये। तो ये भी रेयर ही है। आप मेरे को कमेंट करके बता नहीं ये वाला बंडल किस किस के पास है। और अपने अगली चीज़ की तरफ बढ़ते जो कि है रेयर। मतलब ठीक है वो रेयर को, वो एवरेज रेयर है, जो कि है ये वाली ये ब्लैक टी शर्ट। इसको मैं रेयर तो कहना चाहूँगा, लेकिन अभी ये जो लीग्स निकल के आ रही है ना, कि जो हमारी वाइट टी शर्ट आने वाली है, मतलब बहुत से बड़े वाले बड़े यूट्यूबर्स जो है वो बता रहे हैं कि वाइट टी शर्ट के साथ ये शायद ब्लैक टी शर्ट भी आ सकती है। तो ये ठीक ठाक सी रेयर है, मतलब मैं इसको ज़्यादा ना तो रेयर कहूँगा ना ऐसा कहूँगा कि सबके अकाउंट में है भाई, तो कोई रेयर चीज़ नहीं है। ये भी कमेंट करके बताना कि ब्लैक टी शर्ट किस किस के अकाउंट में है। जो हमारी अगली रेयर चीज़ है वो भी बताना किस किस के अकाउंट में, वो है ये वाला बंडल। और हाँ, मेरे को ये भी कमेंट करके बताना कि ये बनी वॉरियर वाला बंडल कौन सा यूट्यूबर पहन के यूट्यूब पे वीडियोस डालता है। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं तो अभी बहुत अकाउंट मैंने चेंज किया, मतलब पहले मैं गेस्ट अकाउंट से खेलता था, फिर इंटरेस्ट बनने लगा, फिर मैंने गूगल अकाउंट बनाया, लेकिन बहुत बार मैंने चेंज किया। तो पहले अपनी जो चीज़ है वो रेयर वाली वो देख लेते हैं। रेयर बंडल जो है वो है ये ब्लड डेमोन बंडल। ये भी बहुत कम लोगों के पास होगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैंने बहुत अकाउंट चेंज किया, तो मैं हुआ था सीज़न 20 या 21 से परमानेंट हुआ था, मतलब उसके बाद की चीज़ें हैं थोड़ी बहुत मेरे पास जो फ्री में आई थी, मैंने अभी तक टॉप अप नहीं किया गेम में।
और जो हमारी अगली चीज़ है वो है ये नाइट क्लोन बंडल, ये भी रेयर है इस टाइम पे, बहुत ही कम लोगों की आईडी में देखा जा सकता है। हाँ, और हाँ मेरे को कमेंट करके बताना कि आप में से कितने लोग जो हैं वो गेम में टॉपअप करते हैं या कितने लोग नहीं करते। जो करते हैं वो ठीक है, वो अपनी मर्जी से करते हैं, हमने तो अभी तक टॉपअप किया नहीं। जब मन करेगा तो शायद कभी कर लें, लेकिन वो पता नहीं वो टाइम कब आएगा। चलो चलते अपने अगले जो बंडल है उसको देखते हैं, वो है ये फ्री फायर का हिप हॉप बंडल। ये भी शायद से मैंने दो तीन यूट्यूबर के जिनको मैं देखता हूँ उनके अकाउंट में तो मैंने देखा है ये बहुत, लेकिन और किस किस के अकाउंट में ये मेरे को नहीं पता। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके अकाउंट में है या नहीं है। और ये जो मैं अगली चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ये तो मेरे को पक्का से पता है बहुत ही कम लोगों के अकाउंट में होगी, और वो है ये UMP की रबी वाली स्किन, ये जो ऑरेंज स्किन है UMP की, ये बहुत ही कम लोगों के अकाउंट में होगी, मतलब जो बहुत पुराने। अब ये मेरे को ये नहीं पता ये आई कैसे थी, अगर CS में आई होगी, मतलब CS रैंक खेलते हो तो गन स्किन मिलती है गोल्ड 3 पे पहुंचने पे, अगर वैसे आई होगी तो जो जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं उन सबके अकाउंट में होगी, या फिर अगर डायमंड में आई होगी तो बहुत ही कम लोग होंगे जो उस वक्त डायमंड लगाते होंगे, तो उनके अकाउंट में भी हो सकती है। और जो हमारा अगला जो बंडल है वो है ये वाला बंडल, ये मेरे को सबसे पहले दिखाना था, लेकिन ये Season 1 का एलाइट का बंडल, ये भी अभी रेयर ही है। ये आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपने ये किस किस के अकाउंट में देखा है। अगर एक आज का मैं बताऊं तो मैंने ये देखा है रोमियो गेमर के अकाउंट में देखा है ये बंडल। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।